कौन मार के गया इसको सर पे? ला प्रद्युमन को देखा है कहीं मिल नहीं रहा घर में। माँ ढोकला बनाते हैं। हाय मीरा, गुड मॉर्निंग। मेरे भाई को सर्च करने में तुम मेरी मदद करोगे मीरा? तो मुझे शुरुआत से पूरा इंसिडेंट बताओ, डेट एंड टाइम वाइज। इस कांड के पीछे का रहस्य मैं जान के रहूंगा। बैठो। तुम्हें पता है वो जो कंप्यूटर में से एलियन की आवाज आती है ना, वो प्री रिकॉर्डेड आवाज है। सभी को ये सुनो, मैं आपका वर राजा एलियन जी बोल रहा हूँ। मुझे कुछ लाइट ईयर्स लगेंगे आपकी बेटी से, यानी मेरी प्यारी ढोकली से वापस मिलने में। मुझे न्यू गैलेक्सी पे रिसर्च करने का काम मिला। आप सबके आशीर्वाद से मेरा प्रमोशन हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। पापा ये देखो, किसी में सुनाई नहीं देगा। अच्छा तो ये सब प्री रिकॉर्डेड। सर ने अच्छा उल्लू बनाया। आने दो से टांग तोड़ती हूँ मैं उसकी। मुझे वो किडनैपर का नंबर देना। वेट वेट, ऐसे भी प्रद्युमन घर आने वाला है, उसके बाद तोड़ देना तुम्हें जो भी तोड़ना है। मुझे तो लगता है कि ये सब वो तुमको इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। प्रेम प्रेम तू जावर कर तुम्हें प्रेम। तुम तो पहले से इम्प्रेस्ड हो, शायद पापा को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत खर्चा किया था ना उसको यूएस भेजने के लिए। मुझे कैसे भी करके फरारी चाहिए, मतलब चाहिए। तुम बस मुझे रास्ता बता दो। मीरा ये देखो, ये मम्मी के नाम का कोई तो शॉप या बेसमेंट का अग्रीमेंट है, और ये रेंट अग्रीमेंट है 5 जून का। इसमें एड्रेस भी लिखा हुआ है, मांडवी 34/2 विठल मंदिर लेन। वहां तुम्हें तुम्हारे सर मिल जाएंगे। चलो मीरा, चलो मेरी बाइक पे। तुम जाओ, मैं फ्लाइंग स्कूटर से आती हूँ। ये क्या बोलते? अच्छा चलो बाइक से चलते। दोनों भाई बहनों ने मिलके उल्लू बना दिया है। ये कौन से टेम्पो पे आवाज आ रही है? चलो मेरा देखते हैं। ये तो वही है फोटो वाला। ये तो वही लग रहा है। हेलो, हाँ मैडम, आ गया मैडम, ढोकला का डब्बा आ गया है। अरे बहुत है मैडम, लगभग 10,000। अरे मैम, वेयर हाउस में रखने की जगह नहीं थी मैम, तो यहाँ ले आया। क्या हो भैया जी, इतना टेंशन में कहाँ है? अरे चिल्ला रही है मैम कि यहाँ क्यों ले आया। अब इंतजार करो। अरे तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? मैंने वेयर हाउस जाने बोला था ना, किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तो ये नौटंकी चल रही है इनकी। बहुत सारा डब्बा है, इतना डब्बे को कहाँ लेकर के जाए? तो डब्बा
डब्बे नहीं है, बहुत सारे डब्बे हैं, मैं इतने डब्बे को कैसे लेकर के जाऊं? देखो आप खुद देखो। अरे देखो मैडम कितना सारा डब्बा। मैंने दूसरा वेयरहाउस बुक कर दिया है, प्लीज इसे यहाँ से जल्दी से निकलो और आगे से ना यहाँ पे नहीं लेके आना, डिलीवरी वहीं पे होगी, समझ आई बात? अभी जल्दी निकलो प्लीज। चल मम्मा, आपको पता है जिमने 10,000 से भी ज्यादा का ऑर्डर प्लेस किया है। आपका ये एलियन के ढोकले का आइडिया कमाल का था, थैंक यू मम्मी। हाँ अभी निकले हैं वेयर हाउस के लिए। हाँ हाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, यू डोंट वरी। हाँ ओके या कितना कमाल आते होंगे ये लोग, ये तो फैक्ट्री लग रही है ढोकले की। हाँ फैक्ट्री है मेरा। चल हम तो बस ऐसे ही खड़े थे यहाँ पर। ये पूरी फैक्ट्री मम्मी की मेहनत का नतीजा है, इतना कमा लेते हैं कि शाम को नोट गिनने में भी ना मुश्किल होती है। बहन मुझे भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर ले, मुझे भी अमीर बनना है, वो भी तुरंत। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू एक काम कर मार्केटिंग संभाल ले पूरे गुजरात की। ये एलियन के ढोकले की फ्रेंचाइजी, ड्राफ्ट, लीगल डॉक्यूमेंट्स, इसी के लिए मम्मी नोटरी मिस्टर नमित शाह से मिलने गई, अब वो हमें शाम को ही मिलेंगे। बहन मेरे लायक कुछ काम होगा तो बताओ ना, मुझे अमेरिका से आके बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा बहन, मैं यही रहूंगा। चलो बहन मम्मी से बात करते हैं। हाँ मैं आपके कहने पर कल ही न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा देता हूँ कि सेजल परेश व्यास की शादी जिस एलियन जी से हुई है वो अब टूट गई है और सेजल का उस एलियन जी से कोई संबंध नहीं है। हाँ हाँ ठीक है मैं रखता हूँ, थैंक यू। अरे यार बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब मुझे वापस शेयर मार्केट में ध्यान लगाना पड़ेगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पापा अब मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? अरे सेजल बेटा तू कब आई? अरे बाप हूँ, चिंता तो स्वाभाविक है, पर सेजल तू ना अब प्रद्युमन को छोड़ दे, आखिर कब तक अपनी गलती की सजा भुगतेगा वो? अरे पप्पा उसको तो हमने कुछ ही दिनों के लिए बांध के रखा था, वो तो खुद अमेरिका चला गया कोकेन से डर के। बिना बताए अंकल सेजल ने मुझे ना अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और हेड ऑफ मार्केटिंग की पोस्ट भी दी है, अब पूरे गुजरात का बिजनेस मैं संभालूंगी और एलियन के ढोकले का बिजनेस 10 गुना और बढ़ा दूंगी। Congratulations, मीरा, खूब तरक्की करो, but remember one thing, be daring and be consistent, किसी चीज से डरना नहीं, निडर रहो और अपने गोल पे फोकस करो। पापा मम्मी ने एलियन के आने की, सेजल की एलियन से शादी होने की बात इतनी प्रमोट की है कि सोशल मीडिया पर सब लोग एक बार एलियन का ढोकला चखना चाहते हैं, और आपको पता है आज 10,000+ बॉक्सेस की डिलीवरी हुई है हमारी फैक्ट्री से। अभी आती होगी तेरी मम्मी, मैंने हमेशा उसका मजाक उड़ाया, ढोकला खा लो ढोकला खा लो, पर उसने कभी मेरी बात का बुरा नहीं माना, बस वो अपने बिजनेस गोल के पीछे ही लगी हुई थी। मैंने बात कर ली है, इसमें एक ही
दस बारह बॉक्सेस एक्स्ट्रा चाहिए, ओके? हाँ ठीक है। ओ अच्छा, हाँ मैंने बात कर ली है। वो इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर कल ही मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड कर देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना एडवांस देना है और कितना मटेरियल बाकी है। हाँ पैसे मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। हाँ हाँ तुम्हारा QR कोड है मेरे पास, ठीक है चलो रखती हूँ। सेजल ये ले, देखना वो ऑटो इन्वेंट्री का कोटेशन आया होगा, उसको उसका एडवांस ट्रांसफ़र कर दे। सुनो नी, मेरे पास ना नमित शाह का कॉल आया था, मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है सेजल की शादी टूटने की खबर न्यूज़पेपर में छपवाने की। लड़का उससे शादी करेगा, उसको तो उसका पास्ट भूलना ही पड़ेगा ना। अब प्यार करेगा सेजल से तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ बराबर, अपने सेजल के लिए एलियन जैसे भी बढ़कर रिश्ते आएंगे। आपको पता है भाई, वो 5 जून को जब मैं और मम्मी स्कूटी से मार्केट गए थे, तो मम्मी जब वापस आई तो उनकी साड़ी गंदी हो गई थी। एक्चुअली उस दिन हम अपनी छोटी सी फैक्ट्री का रेंट अग्रीमेंट बनवाने गए थे। वो जगह काफ़ी टाइम से बंद थी, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी जाले लग गए थे, इसलिए मम्मी ने वहाँ पे झाड़ू मारी और जाले भी साफ किए, इसलिए उनकी साड़ी गंदी हो गई थी। और सेजल ने आप लोग को बोल दिया कि वो स्कूटी फास्ट चला रही थी और मैं रास्ते में गिर गई। मम्मी आप महान हो, मैं बाहर जाके बड़े बड़े सपने देख रहा था, लेकिन जमीन से जुड़े रहकर भी बिजनेस किया जा सकता है, इसका एहसास आज हुआ है मम्मी। ये लो मेरी तरफ से। थैंक यू। हाँ आपने सच में जबरदस्त सरप्राइज दिया है। हाँ सरप्राइज का मजा तो तब आएगा जब हमारा पहला रिटेल आउटलेट खुलेगा 1 जुलाई को अलकापुरी के फेमस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। हाँ ऊंचा है आसमान।